इथे उपस्थित सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आणि आजच्या या प्रोग्रामला सगळे आलात त्यासाठी पुन्हा एकदा धन्यवाद सुद्धा. दीक्षित सर उपस्थित आहेत, ते गेस्ट रूममध्ये आहेत आणि थोड्या वेळातच आपण प्रोग्राम सुरू करणार आहोत. तत्पूर्वी दीक्षित सरांविषयी सांगायचं झालं तर दीक्षित सरांचं 28 वर्षांचा टीचिंग एक्सपिरियन्स आहे आणि ते प्रोफेसर आणि हेड म्हणून कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर महाराष्ट्रामध्ये कार्यरत आहे. त्यांनी 20 मराठी पुस्तकं लिहिलेली आहेत हेल्थ एज्युकेशनमध्ये आणि कन्सल्टंट म्हणून ते WHO युनिसेफ आणि बाकी NGOsमध्ये काम करतात. श्रीकांत जितकार सरांच्या 2 वेळचा जेवण या डाएटवरती त्यांनी वर्ल्ड फ्री फ्रॉम ओबेसिटी आणि डायबेट्स असा कॅम्पेन त्यांनी केलेला आहे. त्यांचे आतापर्यंत 300 पेक्षा जास्त लेक्चर्स झालेले आहे आणि 35,000 जास्त लोक 36 कंट्रीमध्ये त्यांच्याशी या कॅम्पेनमध्ये कनेक्टेड आहे. त्यांचं 2018 जे आर्टिकल जामा इंटरनॅशनल मेडिकल जर्नलमध्ये इन्क्लूड केलं होतं ते आर्टिकल याच टॉपिकवरती होतं, वेट लॉस अँड डायबिटीज रिव्हर्सल. आज आपण दीक्षित सरांना ऐकणार आहोतच. फक्त 15 मिनिटात आपण आजचा कार्यक्रम सुरू करणार आहोत. सगळ्यांना विनंती आहे की त्यांनी मोबाईल फोन सायलेंटवर ठेवावे किंवा स्विच ऑफ करावे और यू कॅन कीप इट ऑन फ्लाईट मोड ऑल्सो. आपण थोड्या वेळातच आजचा प्रोग्राम सुरू करणार आहोत. एकदा टाळ्यांच्या गजरात स्वागत. एक्सेप्टिंग आर रिक्वेस्ट सर. आजचं जे सेशन आहे ते आज हिंदीमध्ये असणार आहे आणि बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मी SGR नॉलेज फाउंडेशनविषयी आणि चिटणवीस सेंटरविषयी सांगू इच्छिते. SGR नॉलेज फाउंडेशन ही एक सेक्शन एट कंपनी आहे आणि सोशल सर्विस रिलेटेड सगळे प्रोजेक्ट्स SGR नॉलेज फाउंडेशन करते. आणि आजचा हा जो सेशन आहे तो 17th सेशन आहे SGR नॉलेज फाउंडेशनचा आणि सगळ्यांचा त्याला प्रतिसाद लाभला त्या संदर्भात सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद. आणि चिटणवीस सेंटर आमच्याबरोबर सुरुवातीपासून या नॉलेज सिरीजमध्ये आहे त्याबाबतीत चिटणवीस सेंटरचे सुद्धा मनापासून धन्यवाद. आणि श्री सुनील रायसोनी यांनी हे इनिशिएटिव्ह घेतला आणि हे सेशन सुरू केले त्यासाठी सुनील रायसोनी सरांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद. आजच्या सेशनमध्ये आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर दीक्षित. गेल्या 28 वर्षांपासून सर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनाचे कार्य करत आहेत. सध्या ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय लातूर येथे जन औषध वैद्यकशास्त्र विभागात प्राध्यापक व विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी MD PGDHA आणि PGDHRM असे शिक्षण घेतलेले आहेत. त्यांना आरोग्य शिक्षणातील भरीव कामासाठी 3 राष्ट्रीय व 5 राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळाले आहेत. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने 2015-2016 सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार देऊन त्यांना गौरविले आहे. त्यांनी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी 2 परिचर्या विद्यार्थ्यांसाठी 1 तर सर्वसामान्य लोकांसाठी 20 पुस्तके लिहिली आहेत. ते स्वेच्छा रक्तदानाच्या चळवळीत कार्यरत असून त्यांनी आतापर्यंत 50 हून अधिक वेळा रक्तदान सुद्धा केले आहे. त्यांनी WHO युनिसेफ अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी सल्लागार म्हणून काम केले आहे. त्यांचे 40 हून अधिक शोध निबंध विविध वैद्यकीय नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. सध्या ते स्थूलत्व व मधुमेह मुक्त विश्व अभियानासाठी कार्यरत आहेत. व्हॉट्सअप व फेसबुक अशा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या अभियानाशी 37 देशातील 50,000 लोक प्रत्यक्ष जोडले गेले आहेत. सर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या विषयावर 300 हून अधिक व्याख्याने दिली आहेत. दीक्षित सरांची या विषयावरील मराठी हिंदी व इंग्रजी भाषेतील व्याख्याने YouTube वर अतिशय लोकप्रिय असून ती लाखो लोकांनी पाहिली आहेत. महाराष्ट्र शासनाने स्थूलता निवारण मोहिमेचे ब्रँड अम्बॅसेडर म्हणून त्यांची नियुक्ती केली आहे. मी श्री सुनील रायसोनी सरांना विनंती करते की रायसोनी ग्रुप आणि SGR नॉलेज फाउंडेशनच्या वतीने ते सरांचं मेमेंटो देऊन वेलकम करा. चिटणवीस सेंटर
फाउंडेशन की तरफ से आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया, इसलिए मैं राजस्थानी साहब और सहयोगियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का भी मैं आभारी हूँ, इसलिए इतनी धूप में, क्योंकि शाम लगभग 9 बजे भी देखता हूँ कि इतने गर्माहट होती है, ऐसे माहौल में आप लोग आए घर से निकलकर, क्योंकि आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंता है, आपको लगता है कि आप स्वस्थ रहना चाहिए, इसलिए आप लोग इतनी दूर आए, आपका मैं आभारी हूँ। मेरे जो सहकारी यहाँ पर आए हैं, जो मेरे साथ इस अभियान में काम करते हैं, उनका मैं परिचय भी आपको करा के दूंगा, लेकिन उसको थोड़ा समय है, जितने ज़्यादा लोग आएंगे मैं एक साथ सभी का परिचय आपको करा दूंगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो है बिना प्रयास वेट लॉस और डायबिटीज प्रिवेंशन। बहुत सारे लोगों को मराठी आता ही है एक्चुअली, तो मराठी इंग्लिश हिंदी थोड़ा ऐसे मिक्स लेकर चलेगा, क्योंकि मेरा परिचय भी मराठी में करके दिया, तो आई विल टेक दैट लिबर्टी। तो बिना प्रयास इस शब्द की वजह से बहुत सारे लोग आते हैं। तो पहले मैं आपकी गलतफहमी निकाल लेता हूँ कि ये बिना प्रयास 100% बिना प्रयास नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे दीक्षित सर अपने लिए कल से भागने वाले हैं, तो मैं वो नहीं करने वाला, मैं रास्ता दिखाने वाला हूँ, चलना आपको है, अगर आप चलोगे तो आप तंदुरुस्त बनोगे, ये पक्का। क्योंकि लोग वजन कम करने के लिए क्या क्या करते हैं अगर आप देखेंगे तो अचरज होगा। मेरे दोस्त के बीवी ने मुझे फोन किया 8 दिन पहले, उसने कहा तेरे दोस्त को तू समझा, नहीं तो मैं डाइवोर्स लेने वाली हूँ। मैंने कहा अभी क्या कर रहा है ये, डाइवोर्स लेने की नौबत क्यों आ गई? मैंने कहा भाभी क्या हो गया, घर में कोई झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी का वगैरह, या कोई पति पत्नी और वो वाला चक्कर कुछ है? भाभी बोले नहीं वो तो वो फ्रंट पे अच्छा है। तो क्या हो गया? नहीं डाइटिंग कर रहे, बोला बोले डाइटिंग कर रहे, हस्बैंड पेट कम कर रहे हैं तो बीवी को अच्छा लगना चाहिए, डाइवोर्स लेने की क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? आपको मालूम है क्या कर रहा है डाइटिंग मतलब है? क्या कर रहा है? तो सुबह दोपहर शाम सिर्फ गोभी खाता है, खाने दो तुम्हारे गेहूं चावल बच गए, क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या चाह दो खाने, खाने दो दीदी, वो प्रॉब्लम नहीं है, रियल प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि अभी उसके शरीर को गोभी की बू आती है। 25 साल पहले शादी गोभी से नहीं की थी, इस आदमी से की। कहने का मतलब लोग क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं, कोई लोग छाछ पीते हैं तो 15 दिन 20 दिन महीना भर छाछ पीते, फिर आपने अगर 1-2 महीने के छोटे बच्चे उनके पास गए तो उनको हमेशा मिल्क की स्मेल आती है उनके शरीर में, वैसे इन लोगों के बदन को छाछ की स्मेल आती है। तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो मैं जो बता रहा हूँ इतना आसान है, आपको सच में लगेगा कि बिना प्रयास। ईमेल एड्रेस मेरा मैंने पीछे दिया है, इसका मकसद यह है कि अगर आपको बाद में लगा कि कोई सवाल पूछना रह गया, क्योंकि आज पता नहीं कितने सवाल मैं ले पाऊंगा, क्योंकि 12 बजे मेरा रात में फ्लाइट है पुणे के लिए, तो जितना भी हो सकता है हम लोग करेंगे, लेकिन रह गया कोई सवाल या 4 दिन के बाद लगा तो इसके ऊपर ईमेल भेजो, 8 दिन के अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा, ये हमारे अभियान की तरफ से कमिटमेंट है। इनको सब लोग जानते हैं, नागपुर में कोई ऐसा नहीं इनको नहीं जानता। मैं जो आपको बताने वाला हूँ आज, ये बताने की शुरुआत डॉक्टर श्रीकांत जिस्कर ने की थी, और 1997 से 2004 तक वो काम लगातार कर रहे थे, लेकिन उनका डेथ हो गई और उसके बाद ये थोड़ा सा कार्यक्रम रुक गया था। मैंने उनका एक व्याख्यान सुना YouTube पर 2012 में, उसका प्रयोग खुद के ऊपर किया, जब मेरा वजन कम हुआ पेट कम हुआ तो मैंने ये लोगों को बताना चालू किया, तो इसलिए ये अभियान का पूरा श्रेय जो है क्रेडिट जो है ये डॉक्टर जिस्कर को जाता है, इसलिए ये आज का व्याख्यान और ये अभियान मैंने उनके स्मृति को अर्पण किया है। जो मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको बताऊंगा ये कुछ लोगों के लिए उसका कोई फायदा नहीं है, उन्होंने नहीं करना चाहिए। पहला टाइप है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनको इसकी जरूरत नहीं है,
इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं थोड़ा मॉडिफाइड प्लान क्या है, लेकिन उनको ये करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, कितने लोगों को डायबिटीज है जरा हाथ ऊपर करेंगे, 25-30% लोगों ने हाथ ऊपर किया है। अब आप लोगों को डायबिटीज हुआ 35-40 साल की एज में हो गया, लेकिन जिनको 10-12-14 साल में डायबिटीज होता है तो उनको डॉक्टर बोलते हैं कि इनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसलिए इनको लाइफ टाइम इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे जो मरीज है उनको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे की उम्र 9 महीने से कम है, ऐसी माताओं ने भी ये नहीं करना है। और जो टाइप 2 डायबिटीज जिन्होंने हाथ ऊपर किया, वो सारे लोग इसमें इनको फायदा होने वाला है, लेकिन डायबिटीज के लोगों ने ओवर एंथुजियास्टिक नहीं रहना। डायबिटीज के लोग इतने एंथुजियास्टिक होते हैं, कुछ भी बोलो तो करने लग जाते हैं। व्हाट्सएप पे पोस्ट आ गई बीच में, करेले के जूस में अपने पैर डुबा के रखो, इतने लोग हंस रहे, मतलब किया। जब कड़वी टेस्ट आ जाएगी मुंह में तो समझना डायबिटीज गया, करेले गायब मार्केट में से। लोग कर देंगे, कुछ भी करना चाहते, क्योंकि डायबिटीज ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग डिसऑर्डर है कि उसको इलाज नहीं। लोग बोलते जो भी है करेंगे हम, जो भी मिलेगा। मैंने देखा है डायबिटीज के दो मरीज एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि मेरा मेडिसिन लेके देख अच्छा है। क्या मतलब? और दूसरा वो फॉलो नहीं करता, बोला जिमर मत ले, मेरा ये ग्लाइकोमेट GP1 अच्छा है। बोलते कहने का मतलब ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, तो वो नहीं करना। आपका जो मेडिसिन चालू है डायबिटीज का, अपने मन से बंद मत करो, कम मत करो, उसमें कोई चेंज मत करो। दो टेस्ट करने के लिए बताऊंगा आपको मैं, एक है HbA1c, दूसरा है फास्टिंग इंसुलिन। HbA1c का मतलब है पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज, जो डायबिटीज के लोगों को फॉलोअप के लिए हर 3 महीने डॉक्टर बोलते हैं करने के लिए, वो एक टेस्ट है। दूसरा है इंसुलिन का टेस्ट, वो दो टेस्ट करो, वो हमारे पास भेजो, मैं या मेरे कोऑर्डिनेटर्स उनको भेजो। अगर हमने आपको बताया कि आपको डाइट प्लान का फायदा होगा तो जरूर होगा, आप करो। और ये करने के समय आपके जो डॉक्टर है जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं डायबिटीज के, उनको ये बताओ, उनके पास जाके बोलो कि मुझे ये 2 टाइम खाने का प्लान करना है। वो आपको डोज एडजस्ट करके देंगे, गोली अगर 3 बार है दिन में डायबिटीज की तो 2 बार नहीं खा सकते, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, तो वो एडजस्ट करके देंगे। नहीं देंगे तो हमारा डायबिटीज रिवर्सल सेंटर नागपुर में है, आपके डॉक्टर नहीं किया तो हमारे डॉक्टर करके देंगे। तो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, तो डेफिनेटली आपका डायबिटीज रिवर्सल की तरफ जाएगा। एक और एक प्रकार होता है जिनको फायदा नहीं होता, एक टाइप के लोग होते हैं, अगर आपने पूछा बाद में आखिरी में तो उसका आंसर दूंगा, अभी देने की जरूरत नहीं। अब पहला सवाल आता है कि मोटा किसको बोलेंगे, कोई मानने को तैयार नहीं। किसको बोला तो मोटा है तो बोलता मैं खाते पीते घर का हूं। इसलिए एक आसान फॉर्मूला है, आपकी हाइट कितनी देखो सेंटीमीटर्स में, उसमें से 100 माइनस करो, जो बचा वो आपका किलोग्राम में मैक्सिमम वेट होना चाहिए। मैक्सिमम अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो आपका मैक्सिमम 50 होना चाहिए, उसमें से 10% माइनस करो, बचा 45। सो 45 से 50 किलो ये आपका रेंज है। मैं कहता हूँ कि ये जो व्याख्यान है ये कोई सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला, ज्ञान देने वाला व्याख्यान नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट करने वाला व्याख्यान नहीं है। इस व्याख्यान में आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता इस व्याख्यान में, इट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आई विल टेल। अगर आप ऑनेस्टली जो मैं बता रहा हूं करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लाखों लोगों की बदली है, आपकी भी बदलेगी, लेकिन ऑनेस्टली करना जरूरी है। इतना तो पक्का कि कल का दिन आपका आज के जैसा नहीं रहेगा, ये तो मैं गारंटी देता हूं। और मैं प्रोफेसर हूं तो होमवर्क देने की आदत है, तो पहला होमवर्क आपको यह है कि आपका वेट कितना होना चाहिए वो देखो, कितना ज्यादा है वो भी देखो। बहुत लोगों का कैलकुलेशन हो गया, चेहरे पे दिख गया है। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? चाहिए कितना है? 67 है कितना? 92 चाहिए कितना? 52 है कितना? 87 ठीक है, जो भी है। लेकिन अब लेक्चर को आने के समय आप फर्स्ट ईयर में थे तो अभी सेकंड ईयर में चले गए, क्यों? क्योंकि आपको खुद को मालूम पड़ रहा है कि आपका वजन ज्यादा है कि नहीं, किसी ने कुछ बताने की जरूरत नहीं। आपसे चाय पीने की इसको पार्टी लेना तो बोलते हैं आप एकदम पतले दिख रहे हैं आज, कुछ लोग खुश होकर पार्टी दे देते। तो आपको खुद को मालूम हुआ, किसी ने बताने की जरूरत, और आपको टारगेट भी मिला अपना कितना कम करना है, ये भी मिल गया। तो
तो अपना वजन ज्यादा है ये मान लेना, और कितना कम करना है टारगेट मिलना है, ये वेट लॉस के जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है, वहां तक आप लोग पहुंच गए, इसलिए आपका प्रोग्रेस अभी शुरू हो गया। मोटा भी कितनी फिक्र क्यों करेंगे लोग, बोले क्या होगा ज्यादा है, शर्ट के लिए कपड़ा ज्यादा लगेगा, और लेकिन वैसा नहीं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन से लेके इनफर्टिलिटी, बच्चे ना होना, यहां तक के प्रॉब्लम्स है जो ओबेसिटी से होते हैं, मोटापे से होते हैं, इसलिए उसकी फिक्र करना चाहिए। ये मोटापा बीमारी है, उससे और बीमारियां होती है, इसलिए उसकी फिक्र करना चाहिए। दो फल दिखाए मैंने, एक है एप्पल, दूसरा है पेयर। तो मोटापा दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एप्पल शेपेड, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। इनका ऐसा एप्पल जैसा, मतलब एप्पल कैसा है, बीच में बड़ा है, ऊपर नीचे टेपरिंग होता है, इनका पेट निकला हुआ है, हाथ पैर नहीं होते जा रहे, इसको बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। और दूसरा है पेयर शेपेड, यानी कि पेट नहीं निकला हुआ लेकिन बटस का जो हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा, वो ज्यादा बड़ा है, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल ओबेसिटी। तो ओबेसिटी कोई भी खराबी है दोनों, लेकिन उसमें एप्पल जैसा ज्यादा डेंजरस है, घर जाने के बाद दूसरा होमवर्क करने का। सब लोग मेकअप करके आ गए लेक्चर के लिए, आजकल घर में वाटर होते, बड़े बड़े आईने होते हैं, लोग खड़े होते हैं उसके सामने, अब फिर जाके खड़े होना लेक्चर के बाद, लेकिन ऐसे मत खड़े रहना, ऐसे खड़े रहो, आपको पता चलेगा कि आप एप्पल हो कि पेड़ हो, क्या हो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की मजाक भी करो, तू एप्पल है तू पेड़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, मेरा सुनोगे तो एक डेढ़ साल में जो भी वो फ्लैट हो जाएगा। हम मोटे क्यों होते हैं, काफी कारण है जिसकी वजह से मोटा होता है। मर्दों में देखेंगे तो 29 से लेकर 34, 5 साल वजन बढ़ता है, औरतों में देखेंगे तो 45 से 49 तक, जो मेनोपॉजल पीरियड है उसमें वजन बढ़ता है। माँ बाप की वजह से भी कुछ बच्चों को मोटा पाता है, लेकिन उसका लोग फायदा ऐसे उठाते हैं कि किसी को बोला तू मोटा है, तो बोला मेरी माँ मोटी, पिताजी मोटे, नाना नानी, दादा दादी सब मोटे, जैसे प्रॉपर्टी छोड़ के गई ये भी देखेंगे। लेकिन 100 मोटे लोगों का स्टडी किया तो पता क्या चलता है कि उसमें से एक ही दो ऐसे हैं जिनको माँ बाप ने दिया, बाकी सबने कमाया, इसलिए माँ बाप को ब्लेम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेहनत की कमी, कोई शारीरिक श्रम ही नहीं है, घर घर में मशीन है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, क्या क्या नहीं है। आजकल बिल्डर भी बिल्डिंग बनाते हैं, आपको क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट, आपके फ्लैट के सामने खड़े हो जाओ, दो ताली बजाओ, दरवाजा खुल जाएगा, सोफे पे बैठो, तीन ताली बजाओ, फैन चालू हो जाएगा, इतना भी काम नहीं है। साइकिल लोग चलाते नहीं, पैदल चलते नहीं है, खाने की आदत पूरा नहीं रहेगी, और प्रॉस्पेरिटी आ गई तो खाना तो और अच्छा खाने लगे, घी खाने लगे, शक्कर खाने लगे, और मेहनत नहीं करते तो नेचुरली पैसा कमाओगे, खर्च नहीं करोगे तो फिक्स डिपॉजिट पड़ेगा, तो चर्बी का फिक्स डिपॉजिट शरीर के ऊपर दिखता है। खाना बनाने का तरीका क्या है, किसी के पास गेस्ट बोल के जाओ, तो कटोरे में सब्जी दिए, पता नहीं चलता कौन सी सब्जी, बैंगन की है कि फ्लावर की है, जब तक कि आप जब इसको स्पून से हिलाओ तो पता चल रहा है, क्योंकि ऑयल का इतना बड़ा लेयर है एक इंच। हमको लगता है कि खातिरदारी करना है, मतलब क्या है, ज्यादा घी, ज्यादा ऑयल, ज्यादा मीठा, यानी कि खातिरदारी, ऐसी अगर आदत है तो वजन बढ़ता है। शराब पीने से वजन बढ़ता है, यानी कि सिर्फ शराब पियोगे तो नहीं बढ़ता है, लेकिन शराब पीने वाले जो प्रोग्राम करते बड़ा दो तीन घंटे का, उसमें बहुत खाते हैं, तो खास करके यंग लोगों को बताता हूं कि शेक्सपियर ने अल्कोहल के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, उसने लिखा है कि इट स्टिम्युलेट्स द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। और एक स्टोरी हमने रिसेंटली मैंने सुनी कि अल्कोहल के बारे में, बोला कि अल्कोहल जब बनाया शैतान ने तो क्या किया, हमने तोते का खून, शेर का खून और सूअर का खून, ये तीनों इकट्ठा मिलाया और उसको उसके मिश्रण से शराब तैयार है। इसका प्रूफ क्या है, बता आसान, कोई भी आदमी शराब पीना चालू करता है तो पहले दो पेग पीता है तो तोते जैसी मीठी बातें करता है, तू तो मेरा भाई है, रात में 12 बजे बीवी को फोन करके बोलता है आई लव यू, तब भी उसको पता चलता है कि गड़बड़ है, और दो पेग पीता है तो शेर जैसे, फिर कॉर्पोरेटर से लेकर प्राइम मिनिस्टर सबको गाली देना चालू करता है, और दो चार पेग पीता है तो सूअर जैसा लेट जाता है गटर में। कहने का मतलब है कि शराब कोई अच्छी चीज नहीं है,
बोलते जो स्मोकिंग करते हैं उनका वजन जो नहीं करते उनसे कम होता है। तो यंग लोगों को लगता है चलो सर ने बताया कल से चालू कर देंगे। लेकिन स्मोकिंग के बारे में अच्छा सेंटेंस है, कहते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते, पहले ही मर जाते हैं। तो किसी ने सोचा कि स्मोकिंग करके वजन कम करूंगा, वो कुछ काम कर नहीं है। कुछ मेडिसिन से भी वजन बढ़ता है, पर खास करके डायबिटीज में हम लोग जब इंसुलिन का इंजेक्शन चालू करते हैं ऐसे ट्रीटमेंट, उसका साइड इफेक्ट है वेट गेन, वजन बढ़ना उसका साइड इफेक्ट है। डायबिटीज में अगर मेटफॉर्मिन छोड़ेंगे तो बाकी सब मेडिसिन उसकी वजह से वजन बढ़ता है। तो इतने सारे कारण है जिससे आपका वजन बढ़ सकता है। लोगों को अच्छा लगता है कि अपना वजन का कोई तो कारण है, खुद को ब्लेम करने की ज्यादा जरूरत नहीं। सच कारण क्या है? बहुत आसान है, जरूरत से ज्यादा खाते हो, मेहनत नहीं करते, पैसे कमाते खर्च नहीं करते, प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। बहुत लोगों को पूछता हूं क्यों खाते हो, लोग बोलते हैं कैलोरीज, कोई बोलता है प्रोटीन्स, कोई बोलता है विटामिन, आजकल तो लोग जिंक मॉलिब्डेनम बता रहे, होशियार हो गए लोग। लेकिन इस सवाल का सही जवाब क्या है कि क्यों खाते हो? आप इसलिए खाते हो क्योंकि आपको खाने को मिलता है, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं। यू ईट बिकॉज यू गेट टू ईट, देयर इज नो अदर रीजन। अभी अगर रायसोनी साहब ने यहां पर कचोरी घुमाई, कुछ लोगों को अंदर से खुशी हो रही, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं। ये नॉलेज सीरीज है, ये फूड सीरीज नहीं। लेकिन अगर कचोरी घुमाए कितने लोग नहीं खाएंगे? जो लोग हमारा डाइट प्लान करते हैं वो कम से कम मेरे सामने तो नहीं खाएंगे। बाकी के लोग छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। बाजू वाला बोल रहा है नहीं चाहिए तो उसको बोलेंगे चुप बैठ लेके रख। बोले मुझे काम आएगा, मुझे नहीं खाना है तो लेके तो रख। कचोरी की भूख है क्या? नहीं है। क्यों खाए? मिल गया बोल के खाए। रामदास पेट में जाके चौक पे खड़े हो जाओ, हाथ में एक कैरी बैग ले लो, उसमें 50 पैसे के 200 चॉकलेट डालो, आने जाने वाले लोगों को बांटना चालू करो फ्री। यकीन से बोलता हूं जिसके पास 70 लाख की कार है वो भी शीशा नीचे करेगा, हाथ बाहर निकालेगा। 50 पैसे की चॉकलेट किसको भूखा गया? नहीं है। क्यों खाया? मिल गया इसलिए खाया। खाने के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, खाने के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। जानवरों की तरफ हम देखेंगे अगर, तो सबसे बेवकूफ जानवर कौन सा है? गधा। एक गधे का जब खाना हो जाएगा उसको खिलाने की कोशिश करो, कोई गधा खाएगा क्या? एक भी गधा ऐसा गधापन नहीं करेगा। कौन खाएगा? बुद्धिमान इंसान खाएगा। सिर्फ एसिडिटी हो गई, डकार आ रहे, फिर भी रात में कॉकटेल पार्टी है फ्री, गोली खा के जाएगा। अभी मैं 12 बजे फ्लैट से जाऊंगा, अब कॉम्प्लीमेंट्री लंच वगैरह रहता है, इन्होंने मेरा बुकिंग वैसे किया है। ऐसे लोग रहते कुछ 20-25 दिन का ऐसा रहता है। अब वो रात को हमको 12:30 बजे देंगे सैंडविच, कुछ कुछ देंगे। लोग रात में 1 बजे खाएंगे, मैं बोलता हूँ 1 बजे खाने का टाइम है, खाएंगे लोग। अभी बिना वर्ड में लोग जाते हैं, केसरी में जाते हैं, डेस्टिनेशन में जाते होंगे, वो लोग बोलते सनराइज दिखाने को लेके जाते हैं, कहाँ तो सिक्किम दार्जिलिंग, टाइम होता है आपको 5:30, उठा देते आपको 2:30 बजे, और ट्रैफिक वगैरह होता है तो जल्दी उठा देते, और 3:15 बजे गाड़ी में बैठोगे तो पहला काम आपके हाथ में समोसे पकड़ा देते हैं। और लोग 3:15 बजे समोसे खाते, जिंदगी में कभी खाया था 3:15 बजे उठ के समोसा? नहीं खाया। क्यों खाया? पैसे ऑलरेडी भरे। देखो एक बार सोचो खाने के बारे में हमारा क्या है, अवेयरनेस देखो क्या है। मैं बोलता हूं कि वी आर, हम हमारे घर में जो डस्टबिन है उसकी फिक्र करते हैं, लेकिन हमारे शरीर का डस्टबिन करते हैं। और शरीर में कोई भी फूड डालना बहुत आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए समझ लो कि ये सब हमारा, जब तक खाने के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं आएगा, कॉन्शियसनेस नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर हम जानवर को फॉलो करेंगे इसमें तो भी हमारे 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 2012 में मेरा वजन बढ़ गया था, 8-9 किलो वजन बढ़ा, पेट भी निकला था,
तो मैंने काफी कोशिश की कम करने की, जैसे आपने भी किया होगा। एक दिन हफ्ते में फास्टिंग करना, रात में सिर्फ फल खाने का, फिर एक दिन रस, एक दिन फल, एक दिन फास्टिंग, ऐसे तीन तीन दिन के साइकिल, वो भी किया। इंटरनेट में जनरल मोटर्स डाइट वगैरह किया कुछ उन्होंने, करो जरा हाथ ऊपर है कोई तो, मेरे जैसे दुखी आत्मा, वो भी किया। फिर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन, आजकल क्या बहुत सारे लोग, मतलब ये दोनों पैथिक बहुत अच्छे हैं, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, मेरे घर में भी दो दो तीन के डॉक्टर्स हैं, अच्छे तरह काम करते हैं। लेकिन आयुर्वेद ने क्या बताया कि हर आदमी अलग, सब लोग अलग अलग है, ये वात वाला अलग है, पित्त वाला अलग है, कफ वाला अलग है, इसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन है अलग अलग। तो कोई बोलता है जो काढ़ा पी और सबका वजन कम होगा तो गलत है, आयुर्वेद नहीं है। होम्योपैथी तो बोलता है क्लासिकल होम्योपैथी, हर एक का अलग मेडिसिन है। तो अगर सर्दी जुकाम चार लोगों को हो गया तो मेडिसिन चार का अलग अलग है, होम्योपैथी में एक नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन बहुत आसान है, आपको इंग्लिश पढ़ने आ गया तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए तो क्वैक बन गए, जितने एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उतने क्वैक्स हैं इंडिया में, कोई डिग्री नहीं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकते। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर बोल रहा है कि मेरा ये मेडिसिन खाओ आपका वजन कम होगा, इसका मतलब वो उनकी पैथी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसलिए इनके मैं थोड़ा खिलाफ। लेकिन भाई जिसका वजन कम करने का होता है वो आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है, मैंने वो भी किया, पैसे गए लेकिन वजन कुछ कम नहीं। फिर वो हर दो घंटे खाने का भी मैंने करके देखा, ऐसा मोटे लोगों को अच्छा लगता है, उसी की वजह से वजन बढ़ गया। अब उसको ऑफिशियली बोला कि डाइटिंग के नाम पे हर दो घंटे खाओ, इससे तो मेरा वजन दो महीने में 2.5 किलो बढ़ गया, अब बढ़ने वाला था, इतनी बार खाओगे तो वजन बढ़ेगा। इतने सब एक्सपेरिमेंट किए मैंने, 1.5 साल इसमें वेस्ट हो गया मेरा ऑलमोस्ट। रिजल्ट क्या निकला, एक तो मेरा वजन बढ़ता था, नहीं तो थोड़ा कम तो होता था एक्सपेरिमेंट के टाइम पर, लेकिन छोड़ा तो फिर वजन बढ़ता था। सभी का अनुभव ये है, वजन परमानेंटली कम नहीं होता। तो ऐसे क्यों होता है, डाइट प्लान्स नाकाम क्यों होते हैं? दुनिया में लगभग 247 टाइप के डाइट प्लान्स हैं, पैलियो डाइट, अटकिन डाइट, कीटो डाइट, इंटरनेट में ढूंढो बहुत मिलते हैं। कुछ डाइट प्लान बोलते हैं आपका हफ्ते में 1 किलो, हफ्ते में 2 किलो, ऐसे भी अलग अलग क्रैश कोर्सेस है। अरे किताब भी लिखी गई, इसमें लिखा है व्हाई डाइट प्लान्स फेल। तो पहला कारण है कि कुछ डाइट प्लान आपको कोई गिमिक करके आपको भूखा रखते हैं। तो सुबह हमारी पाउडर का शेक बनाओ, वो पियो, और 4 बजे भूख लगेगी तब खाना खाओ, तो क्या होता है आप 4 बजे तक 2 चम्मच शेक के ऊपर हो, पाउडर के ऊपर एक ही खाना खाते हो दिन में, तो कैलोरीज कम हो जाता है नेचुरली, 1 महीने में 1.5 किलो वजन कम होता है। 5,000 रुपये गए, अगले महीने फिर दूसरा डब्बा, फिर 1 किलो वजन कम, तीसरे महीने प्रॉब्लम हो जाता है, घर में मेहमान बुलाए हैं, पकौड़े बनाए हैं बीबी ने, आम का रस बनाया, पूरी है, सब कुछ है, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, और गेस्ट आ गए तो मस्त एंजॉय कर रहे, उसी के लिए उस टाइम क्या करते हो आप 2 चम्मच, तब आपको पता चलता है अरे मेरा लाइफ ऐसे कैसे, लोग आम का रस खा रहे, पकौड़े खा रहे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, शेक पी रहा हूँ। अब जब वो शेक छोड़ दिया, आमरस खाने को चालू कर दिया, फिर वजन बढ़ता, क्यों कर नहीं पाता। कुछ डाइट प्लान इतने मुश्किल होते हैं कि हम वो चीज़ें जमा ही नहीं कर सकते, एक बोलते कश्मीर से लाओ, एक केरल से लाओ, तो मिलते ही नहीं है, कुछ बहुत महंगे होते हैं। बम्बे में तो 2-3 लाख रुपये लेते हैं डाइट इसके कंसल्टेशन के, अब बम्बे में जाके 3 लाख रुपये खर्चा करने के बाद वजन कम नहीं हुआ, तो नागपुर में आके कौन से मुँह से बोलेंगे मैं इतना बेवकूफ हूँ, 3 लाख भी गया वजन भी कम नहीं हुआ। कुछ डाइट प्लान में हमेशा पूछना पड़ता है, मैडम कहीं तो बैठी है दिल्ली में बम्बई में, मैडम बैठी है, चॉकलेट खाओ क्या मैडम, फोन करके पूछना पड़ता है कि मेरे को चॉकलेट क्या खाओ क्या, मैडम बोलते चॉकलेट का टाइम नहीं, ककड़ी खाओ। अरे मैं तो एकदम स्लेव हो गया, किसी का तो गुलाम हो गया, मैं तो चॉकलेट भी नहीं खा सकता मेरी मर्जी से, इसलिए वो डाइट प्लान फेल हो जाता है। कुछ डाइट प्लान ऐसा होता है कि वेजिटेरियन लोगों को बोलते हैं कि सुबह चिकन, दोपहर मटन और रात को फिश खाओ, नॉनवेज वालों को बोलते हैं घास फूस खाओ, कितने दिन करेगा आदमी, 1-8 महीने करता है मैक्सिमम, नहीं हो पाता, काफी कारण है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण बोलता हूँ, वो कारण ये है कि आप आपके वजन की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, आपको लगता है कोई तो और आके आपका वजन कम करने वाला है। अब ये मेंटेलिटी अगर समाज में है कि मेरा वजन दूसरा कोई कम करने वाला है, तो फिर कोई आपको मशीन बेचेगा, कोई पाउडर बेचेगा, कोई कोई सलाह बेचेगा, कुछ भी बेचेगा। जिस समाज में कोई चीज खरीदने वाले बेवकूफ लोग हैं, वहां तो बेचने वाले होशियार लोग रहने वाले हैं।
तो ऐसा नहीं कि वो पैसे आपसे हट रहे हैं, नहीं, आप उनको परमिशन दे रहे हैं, आप उनको अलाउ कर रहे हैं। तो ये बात पक्की समझ लो कि जब तक आपके वेट की जिम्मेदारी आप नहीं लोगे वो कम नहीं होगा। तो आज का आपका क्या लेसन है कि आपकी जिम्मेदारी आप लो तो ही कुछ होने वाला है, दूसरा कोई नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाला, मैं रास्ता दिखाऊंगा, चलने का आपको है। दिख रहा है सबको? तब मुझे ऐसा लगा कि शायद चर्बी चलाने का यही एक तरीका हो सकता। आपको हंसी आई, ये क्या बेवकूफी, ऐसा कभी होगा? लेकिन ये क्या है, इसको हम बोलते हैं लाइपोसक्शन बैरेटिक सर्जरी। लाइपोसक्शन का मतलब क्या है, आपके पेट में हम पाइप डालते हैं, उसमें से चर्बी निकालते हैं, एक लीटर को 10,000, 20,000, 30,000 रेट लग करता है, कोई लोग मरते भी उसमें। कुछ लोगों का बैरेटिक करते हैं, मतलब क्या, जब खाना खाओगे तो जिस बैग में जाते हैं उसको बोलते हैं स्टमक, कैपेसिटी आपके स्टमक की है 25 चपाती खाने की, आपने खा खा के कमाई है, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं हो के ऊपर, हम क्या करते हैं आपका स्टमक काट देते, अब काटने से कैपेसिटी रहेगी 5 चपाती की, अब कितनी भी इच्छा हो खा नहीं सकते, 5 के ऊपर खाया तो उल्टी हो जाती। कुछ लोगों का बाईपास करते हैं, यानी कि जब अगर आपने जो खाया वो स्टमक में से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो उसका डाइजेशन होगा, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन हम जाने नहीं देते, डायरेक्टली उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते, ऐसा खाओ वैसा बाईपास। अब इस तरीके से वजन कम करना किसी को अच्छा लगेगा क्या? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो दिखा ये और ये पिक्चर है, इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, इसमें क्वालिटेटिवली कोई डिफरेंस नहीं है। अब उस समय मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने अपना वजन तो कम नहीं होने वाला, एमडी किया, टीचिंग कर रहे, इतने लोगों को सिखा रहे कुछ कुछ, लेकिन खुद का वजन नहीं कम कर सकता, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। और तभी मैं सोच रहा था कि ऐसा डाइट प्लान मिले जो सक्सेसफुल हो, तो क्या क्या होना चाहिए उसमें क्वालिटीज। मैं सोचा पहला होना चाहिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर कोई पैसे थोड़ी खर्च करेगा वजन कम होने, नहीं करेगा। दूसरा, उसको डॉक्टर या एक्सपर्ट नहीं लगना चाहिए, एक्सपर्ट आए तो एक्सपर्टाइज आए, एक्सपर्टाइज आए तो फीस आए। तीसरा, कोई मशीन लाने की जरूरत ना पड़े, या कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मशीन लाएंगे तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग घरों में जॉगर होगा, जॉगिंग मशीन, लोग मशीन खरीदते हैं, फिर महीना भर पार्टी करते रोज, सब दोस्तों को बुला के देखो हम कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं, हमको टाइम नहीं मिलता घूमने का बाहर, इसलिए हमने घर में मशीन लाया। इसके घर में तीसरे महीने जाओ आप, उसके ऊपर कपड़े टंगे हुए, जॉगिंग मशीन का परमानेंट यूज वही है, कपड़े सुखाने का बाकी कुछ काम नहीं है, इसलिए मशीन नहीं लगना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिंदगी भर आपको खुशी से यू शुड बी एबल टू डू इट हैप्पी, नहीं तो क्या डाइटिंग कर रहे हैं। अभी घर में लोग क्या करते हैं, घर में लोग भी भारी होते हैं, बोल सब पिज्जा मंगवाते, इसका डाइटिंग चालू, इसके सामने बैठ के खाते सब, और आपस में बात करते इसका डाइटिंग चालू, इसको नहीं देने का। उस टाइम तो छाछ पीता वो सब, सब लोग सो जाते तो रात में 12 बजे फ्रिज खोल के जितना हो सके खा लेते। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू फॉलो हैप्पीली फॉर लाइफ टाइम। अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो वो डाइट प्लान नहीं रहेगा, वो लाइफ स्टाइल बन जाएगा। एंड वॉट कैन सक्सीड इज अ लाइफ स्टाइल, नॉट डाइट। डाइट प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, लाइफ स्टाइल सक्सेसफुल हो सकती है। तो ऐसे में तलाश में था कि ऐसा कोई मिलेगा तो कुछ काम। और फॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे एक दोस्त ने मुझे डॉक्टर जिस्कार का लेक्चर यूट्यूब का उसका डाउनलोड करके मुझे दिया कि तूने इतना किया, ये भी एक बार सुन ले। और यहाँ पर राजू अकोलकर बैठे, राजू जरा दर्शन दे तो लोगों, इन्होंने जिस्कार सर के साथ भी काम किया, वी आर वेरी लकी टू हैव। इन्होंने वो लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया था, वो मेरे दोस्त ने मुझे लाके, वो मैंने सुना। अब वो लेक्चर में जो जिस्कार सर ने बताया था वो मैं आपको बताने वाला हूं। वो लेक्चर में जिस्कार, डॉक्टर जिस्कार ने बहुत सिंपल बात कही, उन्होंने कहा कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो दिन में 2 बार खाना खाओ,
बीच में मुंह खोलना है तो बात करने के लिए या पानी पीने के लिए, इतना सिंपल था। मुझे कोई भरोसा नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज में जिनका कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, हमारे फॉर्मूले भी है, अगर डेली 100 कैलोरी ज्यादा खाओगे तो कितने दिनों के बाद वजन 1 किलो बढ़ेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या है डे टू डे लाइफ में? दो दोस्त होंगे, एक एकदम दुबला पतला है, दूसरा मोटा है। तो मोटा तो इतना सा खाता है दो चपाती, वो पतला चार चपाती खाता है, पांच चपाती खाता है, फिर भी कभी उसका वजन नहीं बढ़ता। तो ये कैलोरीज एंड कैलोरीज आउट का जो है कैलकुलेशन, वो शायद पोल्ट्री में चलता है, कैटल्स में चलता है, ह्यूमन बींग्स में नहीं चलता, वो वी आर वेरी स्ट्रेंज एट एनिमल्स। लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं हुआ, भाई कैसे होगा वो लेक्चर में बना, उन्होंने क्या बताया? मैंने लेक्चर बार बार सुन लिया। ये बोलते हैं कि मीठा मत खाओ, नहीं ऐसा नहीं बोलते, घी मत खाओ वैसा भी नहीं बोलते, नॉनवेज मत खाओ वो भी नहीं बोलते, कम खाओ वो भी नहीं बोलते। मैंने कहा कैसे संभव है, जो चाहिए वो खाओ, रूल क्या है? दो बार खाओ, बस इतना रूल है, बाकी कोई रूल नहीं है। मुझे भरोसा नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि डॉक्टर जिसका जैसा व्यक्ति है तो कुछ बता रहा है, और वो लेक्चर आपने सुनना चाहिए, इसलिए सुनना चाहिए कि उसमें जो उनकी अर्ज जो है कि लोगों का भला करने का, उनकी जो बात करने का तरीका है, आपको अपील करें, वो मुझे अपील किया। मैंने कहा ठीक है करके देखते हैं, 3 महीने अपना दिमाग बाजू में रख लेंगे और इस आदमी के ऊपर भरोसा करेंगे। 3 महीने ऑनेस्टली किया, 3 महीने में आश्चर्यजनक परिणाम निकले। मेरा वजन 8 किलो कम हो गया, पेट का घेरा 2 इंच कम हो गया, जो मैं चाहता था पूरा हो गया सिर्फ 3 महीने। तब मैंने ये बताना चालू कर दिया, स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स, रिश्तेदार, सभी को बताना चालू किया। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि रास्ते में कोई अनजान आदमी मिल जाएगा जिसका पेट निकला हुआ है तो मैं भाग के उसको पकड़ता था कि तेरे लिए मेरे पास कुछ है। और ऐसा ही 3 महीने के बाद होने वाला इधर, कि आप लोग कर से करोगे ये एक्सपेरिमेंट, आपका पेट कम हुआ तो आप पेट वालों को ढूंढो। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि जिस चीज का मुझे फायदा हुआ तो हम नजदीक लोगों को फायदा देने की कोशिश करते हैं। अब डॉक्टर जिसका का जिक्र निकला इसलिए एक बार बताता हूं, क्योंकि आप शायद उनका लेक्चर भी सुनोगे यूट्यूब पर जाके। तो आज उनका लेक्चर सुनना इसलिए कि उसमें से आपको समझ में आना चाहिए कि उनका पैशन क्या था उसका सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन टेक्निकल डिटेल्स की है, जब भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी होगी कि जिसका बताते एक चीज ये खाओ दो खानों के बीच में चलता है, मैं बोलूंगा नहीं चलता, तो मेरा सुनो। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे 97-2004 की बात है, 15-20 साल पहले की बात है। उन्होंने जो जो बताया वो हमने प्रूव करने की कोशिश की, मैंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, लोगों के ऊपर किए, जो हम प्रूव कर सके उतना ही हम आपको बताते हैं। इसलिए जब कोई ऐसा डायलेमा होगा तो मेरा फॉलो करो। अब ये व्याख्यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ये प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। होता है कि लोगों के दिमाग में बहुत कुछ होता है, कोई बोलता है 2-2 घंटे के बाद खाओ, कोई बोलता है नॉनवेज खाओ, कोई बोलता है ये करो वो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे ऊपर भरोसा मत करो, खुद के ऊपर भरोसा करो। और खुद के ऊपर भरोसा करने के लिए जरूरत है प्रयोग करने की जरूरत है। ये दुनिया में सोचने से किसी का वजन आज तक कम नहीं हुआ, और नॉलेज सीरीज को आने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धिमान लोगों का प्रॉब्लम है कि वो सोचते बहुत है करते बहुत कम। तो खुद के ऊपर भरोसा रखो। मैं जो बताऊंगा उसके 4 ऑब्जेक्टिव इफेक्ट आपको दिखेंगे, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, सब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव मतलब अच्छा लगा, फ्रेश लगा, ये सब्जेक्टिव है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता। 4 चीजें होगी आपके लिए, 1 आपका वजन कम होगा, 2 आपका पेट कम होगा, 3 आपका HbA1c यानी कि 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज कम होगा, और 4 आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल कम होगा। और ये आप सब नाप सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। तो कोई भी डाइट प्लान आपको करना है, मैं तो ये नहीं बोलता ये खराब है वो खराब, मैं नहीं बोलता। कोई भी डाइट प्लान का इफेक्ट देखने के लिए 3 महीने करना पड़ता है, 2 दिन में कुछ नहीं होता। तो क्या करो, अगर आपको 2-2 घंटे के बाद खाना है वो डाइट प्लान करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल क्या करो, ये 4 मेजरमेंट करो, फिर 3 महीने 2-2 घंटे में 2-2 घंटे खाओ, फिर मेजरमेंट करो, आपको दिखेगा सब बढ़ गया, वजन भी बढ़ गया, HbA1c बढ़ गया। फिर मेरा डाइट प्लान करो 3 महीने, आपको दिखेगा सब कम हो गया। फिर खुद के ऊपर भरोसा रखो कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है आपको रिजल्ट मिला, क्योंकि कोई हीरोइन का वजन कम होगा आपको क्या काम है, कुछ काम करना, तो हीरोइन अच्छी दिखेगी आप। आपका वजन कम हो तो आपके लिए फायदा है, तो ये एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर करो। तो सिद्धांत क्या है, सिंपल,
आपके खून में अगर इंसुलिन नाम के हार्मोन की लेवल बढ़ गई तो आप मोटा बनते हो, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। इस डर अब इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। आपके शरीर में पैंक्रियास नाम की ग्रंथि है, पेट में लेफ्ट साइड को, स्टमक के नीचे ये ग्लैंड है, इसको बोलते हैं पैंक्रियास, इससे ये इंसुलिन निकलता है। अब ये इंसुलिन निर्माण होने के दो तरीके आपके शरीर में, एक को बोलते हैं हम बेसलाइन सिक्रीशन, इसका मतलब है कि 24 आवर्स आपके पैंक्रियास में से थोड़ा 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 इंसुलिन निकलते रहेगा। कितना निकलता है? 24 घंटे में 18 यूनिट से लेकर 32 यूनिट तक निकलता है। अब इसकी विशेषता यह है कि इसको आप बंद नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा तरीका है इंसुलिन बनने का, वो है जब खाओगे, कुछ भी खाओगे तो इंसुलिन बनता है, कुछ भी खाओ इंसुलिन बनता है। अब अपेक्षा ऐसी है कि जितना इंसुलिन आपको दिन में चाहिए उसमें से 50% बेसलाइन से आना चाहिए, 50% आपने खाने से बनाना चाहिए, यानी 18 से 32 यूनिट अगर बेसलाइन है तो 18 से 32 यूनिट आपने खाना खाने से बनाना चाहिए। अब जो इंसुलिन खाना खाने से बनाते हो उसकी एक विशेषता है कि जब भी आप खाओगे तो एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाओगे, और ये मात्रा हर एक की अलग अलग है, किसी की 2 यूनिट की, किसी की 5 की, किसी की 10 की, किसी की 20 की, अलग अलग है। इसका मतलब कि अगर मैं 4 लोगों को बुलाए, हर एक को एक एक चपाती खाने को दी, 25 ग्राम की चपाती सभी को दी, एक एक चपाती, जिसका वो कोई आदमी 2 यूनिट बनाएगा, कोई 5 बनाएगा, कोई 20 बनाएगा, मतलब ये हर एक का अलग अलग है। इसकी और एक विशेषता ऐसी है कि एक बार आपने इंसुलिन बनाया तो फिर से बनाने के लिए आपको 55 मिनट का समय लगता है। जैसे आपको अगर 2 बकेट पानी डालना है गार्डन में तो क्या होता है, एक बकेट भरने के बाद उसको डालेंगे तो दूसरे बकेट भरने के लिए टाइम लगता है, उसी तरह से इंसुलिन फिर से बनने के लिए 55 मिनट का टाइम लगता है। तो इसका रियलिटी में क्या यूज है कि जब खाना खाने बैठोगे 55 मिनट में खाना खत्म किया तो इंसुलिन एक बार निकलेगा, 55 के आगे चले गए तो 2 बार निकलेगा। इसलिए जो डाइट प्लान में एडवाइस है कि 55 मिनट में खाना खत्म करो, इसके पीछे लॉजिक ये है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने आपको कि इंसुलिन पैंक्रियास में से बनता है, 2 टाइप से बनता है, बेसलाइन 18 से 32 यूनिट, 24 घंटे में आप बंद नहीं कर सकते। दूसरा टाइप में खाना खाने से जो बनाते हो वो एक विशिष्ट मात्रा में हर समय बनाते हो, और उसकी विशेषता ये भी है कि एक चपाती खाओ तो भी, अगर आप 2 यूनिट बनाते हो तो एक चपाती खाई तो 2 यूनिट, 2 खाई तो भी 2 यूनिट, यानी 2 खाई तो 4, 3 खाई तो 6, ऐसे नहीं होता है, विशिष्ट मात्रा है, उसी मात्रा में इंसुलिन बनता है, और एक बार बनाया तो 55 मिनट नहीं बनता है। अब ये इंसुलिन का कार्य क्या है? जब आप खाना खाओगे, अब घर में खाते हो तो 7-8 चीज खाते हो, शादी में जाते हो तो बफे में 20-25-30 आइटम होते हैं। एक शरीर की विशेषता यह है कि आप एक आइटम खाओ या 200 आइटम खाओ, डाइजेशन के बाद खून में सिर्फ 3 एंड प्रोडक्ट आते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, प्रोटीन से अमीनो एसिड और फैट से फैटी एसिड, यानी कितनी भी चीजें खाओ डाइजेशन के बाद में खून में क्या आएगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। अब आपका जो शरीर है वो लगभग 10,000 करोड़ सेल्स से बना हुआ है, और हर सेल को एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। लगभग आपको दिन में 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है एवरेज, आपको वजन के हिसाब से, काम के हिसाब से उसमें फर्क होता है, एवरेज 2000 पकड़ेंगे। अब शरीर ये ऊर्जा कहाँ से लेता है? उसके पास 2 सोर्स है, एक है ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज जलाओगे तो 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर 1 ग्राम फैटी एसिड जलाओगे तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी चर्बी जलाने से ग्लूकोज की तुलना में 2.25 गुना एनर्जी मिलती है। तो आप अगर सेल हो तो क्या जलाना पसंद करोगे? ग्लूकोज या फैटी एसिड? फैटी एसिड। उसी तरह से हमारे शरीर के सारे सेल्स को फैट जलाना अच्छा लगता है, फैटी एसिड, एक्सेप्शन सिर्फ ब्रेन का है, ब्रेन सेल्स का, उनको फैटी एसिड अच्छा नहीं लगता, उनको ग्लूकोज अच्छा लगता। अब क्या होगा कि आप जब आप खाना खाओगे, डाइजेशन के बाद क्या होगा? आपके खून में ग्लूकोज आ गया, फैटी एसिड आ गया, अमाइनो एसिड आ गया। आपको लगेगा कि अभी खून में सब है, और खून हर सेल की तरफ जाएगा, सर्कुलेट होता है, तो क्या होना चाहिए? खून में का ग्लूकोज सेल में जाना चाहिए, सेल यूज करना चाहिए। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हर सेल के ऊपर एक ताला लगा हुआ है, एक लॉक लगा हुआ है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इंसुलिन रिसेप्टर। इसका मतलब क्या है? आपके खून में कितना भी ग्लूकोज है, लेकिन जब तक ये सेल के ऊपर का ताला नहीं खुलता, ये ग्लूकोज उसमें नहीं जा सकता।
तो इंसुलिन का पहला कार्य क्या है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना, ये इंसुलिन का लॉक खोलना रिसेप्टर का और ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचाना, ये पहला काम है। अब ग्लूकोज सेल में चले गए, सेल ने यूज किया, सभी सेल्स का काम हो गया, फिर भी आपके खून में और ग्लूकोज है, उसका क्या करेंगे? आपके पॉकेट में ज्यादा पैसे हो गए, आप क्या करते हो? निकाल के कबर्ड में रख देते हो। उसी प्रकार से शरीर जो एक्सेस ग्लूकोज है उसका कन्वर्शन ग्लाइकोजन नाम के सब्सटेंस में करना है, और ये ग्लाइकोजन आपके लीवर के अंदर 100 ग्राम स्टोर करने की कैपेसिटी एडल्ट के शरीर में होती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 कैलोरी मिलती है, तो 100 ग्राम ग्लाइकोजन से 400 कैलोरी एनर्जी आपको जब जरूरत पड़ी मिल सकती है। इसका फायदा क्या होता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है? जब आपने अगर 12-15-14 घंटे खाया नहीं कुछ, तो आपके ब्लड में भी ग्लूकोज खत्म हो गए, फिर आपने कुछ नहीं खाया, लेकिन आपका ब्रेन काम करता है, हार्ट काम करता है, कोई काम छोड़ नहीं सकते, बंद नहीं करते, तो एनर्जी कहां से आएगी? तो ये लीवर में से 100 ग्राम ग्लाइकोजन निकाल के ये आपका शरीर 400 कैलोरी एनर्जी निकालता है और उसके ऊपर काम चलता है। यानी कि आपको जरूरत के समय मदद हो, इसलिए नेचर ने प्रोविजन करके रखी है। तो इंसुलिन के दो कार्य आपको मालूम हो गए, एक इंसुलिन रिसेप्टर का लॉक खोल के ग्लूकोज को सेल में पहुंचाना, दूसरा ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में करना। अब ध्यान से सुनो, ये दो काम होने के बाद अगर आपके खून में और ग्लूकोज बचा है, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन इंसुलिन की वजह से फैटी एसिड में होता है और वो चर्बी के रूप में स्टोर किया जाता है। अभी काफी लोगों को समझ में बात आ गई कि मैं घी नहीं खाता, बटर नहीं खाता, अंडे में पीला भी फेंक देता हूं, तो भी मैं मोटा कैसे? क्यों मोटा हो गया? जो चपाती खाई, चावल खाया, दाल खाई, उसमें से जो ग्लूकोज था उसका कन्वर्शन फैटी एसिड में किया, किसने किया? इंसुलिन ने किया। ये स्टोरी में खलना है, विलन कौन है? इंसुलिन है। अब ये इंसुलिन अमीनो एसिड का कन्वर्शन अलग अलग प्रोटीन्स में करता है, शरीर उसका यूज करता है, और फैटी एसिड का तो कन्वर्शन फैट में करके स्टोर करता ही है। इसलिए इंसुलिन को हम बोलते हैं एनाबोलिक हार्मोन, क्योंकि एनर्जी स्टोर करना और डिफरेंट सब्सटेंसेस सिंथेसाइज करना, निर्माण करना, ये इसका काम है। अगर इंसुलिन के लेवल खून में बढ़ गई तो क्या, इसको बोलते हैं तांत्रिक भाषा में हाइपर इंसुलिनेमिया। अब गूगल के ऊपर जाओ, ये शब्द डालो हाइपर इंसुलिनेमिया, आपको सैकड़ों रिसर्च पेपर पढ़ने को मिलेंगे, सैकड़ों, और एक भी रिसर्च पेपर में ऐसा नहीं लिखा होगा ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हर पेपर बोलेगा कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, हानिकारक है। क्या होगा? वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ेंगे, और सबसे खतरनाक बात होगी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या बात है। जब इंसान दुनिया में आया तो हम जंगल में रहते थे, और कितने साल रहे जंगल में? 600,000 साल हम जंगल में रहे। पिछले 10,000 साल से हम जंगल के बाहर, और उसमें से 5,000 साल हमको खेती आती है। मतलब हमारा ओरिजिनल बिहेवियर क्या है? जंगल के जानवर का है। तो 600,000 साल कहां और 10,000 साल का? इंट्यूटिव बिहेवियर हमारा जंगल क्या है? जानवर का है। अब जब आप जंगल में थे तो कैसे खाते थे? जानवर को मारना और खाना, दूसरा कुछ आता ही नहीं था। खेती तो 5,000 साल पहले आ गई अपने को। पहले क्या आता था? ना तो पेड़ के ऊपर चढ़ सकते थे, ना खेती कर सकते थे। क्या करते थे? जानवर को मार के खाते थे। अब जानवर को मार के अगर खाना है, शिकार करके खाना है, तो क्या ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलने वाला है टाइम पे? नहीं मिलने वाला। आज मिला तो कल अगला खाना 10 दिन बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद मिलने के चांसेस थे। तो हमारे सेल्स जो बने हैं वो भूखा रहने के लिए बने, ज्यादा खाने के लिए नहीं बने। जेनेटिकली देखेंगे तो स्टार्वेशन के लिए बने हैं, ज्यादा खाने के लिए नहीं बने। इसलिए दुनिया में जितने लोग भूखे रहने से मरे उससे सैकड़ों गुना लोग खाने से मरे, भूखा रहने से कोई नहीं मरे। तो ये सेल्स को आदत क्या है, इनका एक्सपेक्टेशन क्या है? जब खाएंगे तो इंसुलिन निकलना चाहिए, तो उसका काम शुरू होता है खाने के बाद, लेकिन जब काम खत्म होगा तो जीरो लेवल में जाना चाहिए, ये उनका एक्सपेक्टेशन। अब समझो एक आदमी ऐसा है कि जिसका हर बार खाता है तो 5 यूनिट इंसुलिन निकालता है, उसका मात्रा जो है 5 यूनिट का, लेकिन इसने क्या किया, इसने इंसुलिन लेवल बढ़ा के रखा है।
तो सेल्स को उसकी आदत नहीं है, तो सेल क्या करते हैं, उसको अपोजिशन करते हैं, विरोध दर्शाते हैं। तो क्या करते हैं, उनका शेप थोड़ा बदल देते हैं। अब शेप बदलने से जो लॉक का शेप है वो बदल जाता है। अब नेचुरली अगर लॉक का शेप बदला तो उसको चाबी नहीं बैठती, बात इंसुलिन की चाबी उसको बैठती थी। तो क्या होता है फिर, जब वो खाना खाएगा तो डाइजेशन के बाद उसके खून में ग्लूकोज आ गया, 5 यूनिट इंसुलिन भी आ गया जो उसने बनाया था, लेकिन रेजिस्टेंस है अभी। अब रेजिस्टेंस है तो क्या, इंसुलिन काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, ग्लूकोज सेल पे नहीं जा सकता, ग्लूकोज सेल पे नहीं गया तो फिर मैसेज जाता ब्रेन को कि खाना नहीं मिल रहा है, अभी स्टार्वेशन हो रहा है। तो ब्रेन बोलते हैं भाई इसका 5 यूनिट से अभी काम नहीं चलता, इसका अभी मेजर बढ़ा देंगे, इसको 5 का 10 कर देंगे। फिर क्या होता है प्रैक्टिकली, जो आदमी हर टाइम 5 यूनिट बनाता था अभी 10 यूनिट बनाना चालू कर देता है। अब ये ज्यादा इंसुलिन बनने से 5-6 महीने काम चलता है, ज्यादा इंसुलिन से ग्लूकोज सेल में जाना चालू हो जाता है, लेकिन फिर रेजिस्टेंस बढ़ता है, फिर ब्रेन बोलता है कि 10 का 15 कर दो अभी इसको, फिर 15 का 20। ऐसे करते करते एक हालत ऐसी हो जाती है कि आपके खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, बहुत ज्यादा इंसुलिन है, लेकिन रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि ग्लूकोज सेल में नहीं जा सकता, ग्लूकोज आपके खून में ट्रैप हो जाता है और यूरिन में से, पेशाब में से निकलना चालू हो जाता है। फिर आपका शरीर, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है एनर्जी के लिए, प्रोटीन्स यानी कि आपके मसल्स को यूज करना चालू कर देता है। कोई भी शरीर, कोई भी शरीर एनर्जी के लिए कभी भी प्रोटीन्स को हाथ नहीं लगाता, कभी भी नहीं लगाता, क्योंकि 1 किलो प्रोटीन कदम तो आदमी की जान जाती है, इसलिए मसल्स कभी उसके शरीर का भी यूज नहीं करता। लेकिन जब ये हालत आ जाती है कि ग्लूकोज सेल में जा ही नहीं सकता, उस समय फिर आपका मसल वेस्टिंग शुरू हो जाता है, आप दुबले होने शुरू हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, फिर सुबह का आपका शुगर सैंपल उसमें 300 ब्लड शुगर और दोपहर खाने के बाद 400 ऐसा रिपोर्ट आता है। फिर हम आपको टाइप 2 डायबिटीज का लेवल लगाते हैं। जिनको डायबिटीज है, जिन्होंने हाथ ऊपर किए, तो क्या बात समझ में आ गई, आपको डायबिटीज इसलिए नहीं हुआ कि आपने इंसुलिन नहीं बनाया, इसलिए हुआ कि इतना इंसुलिन बनाया लेकिन इनइफेक्टिव है, कुछ काम का नहीं है, इसलिए आपको डायबिटीज हो गया। यानी कि वजन बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज, ये एक ही हाईवे के ऊपर के माइलस्टोन्स हैं। और इस सभी के पीछे कारण क्या है, इंसुलिन के लेवल बढ़ना, ये इसके पीछे कारण है। अगर आपने इंसुलिन के लेवल कम की किसी भी तरह से, क्या होगा फिर, एग्जैक्टली अपोजिट चीजें शुरू हो जाती है। पहले तो जो खून में ग्लूकोज है वो बॉडी में यूज है, हम बोलते हैं खून का ग्लूकोज मतलब पॉकेट में के पैसे। अब वो खत्म होने के बाद आपने कुछ नहीं खाया तो शरीर क्या करेगा, लीवर में से ग्लाइकोजन निकाल के वो यूज करेगा, लीवर का ग्लाइकोजन यानी कबड में के पैसे। अब पॉकेट के भी खत्म, कबड में की खत्म, तो क्या करोगे, पैसे लगे तो बैंक में जाओगे, ऐसे कोई राजी खुशी थोड़ी जाता है। उसी तरह से आपका शरीर चर्बी की फिक्स डिपॉजिट को तभी हाथ लगाएगा जब आपका ग्लूकोज और ग्लाइकोजन खत्म होगा। तो क्या समझ में आ गई बात आपके, इस दुनिया में जिस किसी को वजन कम करना है, जिस किसी को पेट कम करना है, जिस किसी को चर्बी जलाना है, उसके लिए नेचर ने एक तरीका आपको दिया है, एक ही नैसर्गिक तरीका है, वो है इंसुलिन लेवल कम करो, दूसरा कोई तरीका नहीं। और अगर आपसे कल, अगर आपको कल से इंसुलिन की लेवल कम करना है तो क्या करोगे, कम खाओगे या कम बार खाओगे, जोर से बोलो, तो कम खाने ज्यादा खाने से कोई फायदा फर्क नहीं पड़ेगा, इंसुलिन उतना ही बनेगा, लेकिन कम बार खाओगे तो इंसुलिन कम बनेगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कहां पे है, कम बार खाना, इसमें हमारा सोल्यूशन है। अब आपका देखो कितनी बार इंसुलिन बनाते, ये मेरा लिखा है मैंने। सुबह उठ गए, अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो आधा चम्मच शक्कर डालते, ज्यादा नहीं डालते, ये तो कहीं होटल में जाओ तो खड़ा चम्मच बोलते चाय को। खड़ा चम्मच का मतलब क्या है, वो ग्लास में अगर चम्मच डालोगे तो खड़ा रहता है, इतनी शक्कर होती थी चाय। तो आधा चम्मच भी शक्कर डाल के चाय पिया, अगर आप 5 यूनिट बनाते हो हर टाइम, 5 यूनिट निकल गए, फिर ब्रेकफास्ट करते हेल्दी, क्या खाया, पपाया खाया, कुछ भी खाया, पड़ गया, आ गया 5 यूनिट, 11 बजे चाय, ऑफिस में चाय तो होता ही, आजकल सॉफ्टवेयर वगैरह में तो वेंडिंग मशीन लगा के रहते, कुल्लू के बैल जैसे होते हैं, इधर उधर जाओ मौजूद, वहीं से ले लो वेंडिंग मशीन से कॉफी पी लो, लेकिन यही काम करो बोले। तो ब्रेकफास्ट दोपहर खाते हो, फिर 3 बजे चाय,
हमारा पूरा दिन चाय के इर्द गिर्द घूम रहे। 5 बजे स्नैक्स खाने की आदत लोगों को होती है, 7 बजे चाय पीता था, फिर कॉलेज से आने के बाद फिर 7 बजे, फिर 9 बजे खाना, फिर रात में कहीं मूड आया तो आइसक्रीम खाने के लिए। फिर नागपुर में बहुत लोग पान खाने जाते हैं, जिसका सबने बताया था लेक्चर में, नागपुर का खाना पान के बगैर खत्म नहीं होता। तो इतनी बार इंसुलिन में बनाता था, आप देखो कितनी बार बनाता है, क्योंकि कितना खाते हो इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई बालाजी का प्रसाद ला के दिया लड्डू, आपने इतना से लिया लेकिन 5 यूनिट तो आ गए। मैंने कहा था कि आपका कल का दिन आज के जैसा नहीं होने वाला है, कल कुछ भी खाने को हाथ आगे करो दिमाग में इंसुलिन की घंटी बजने वाली। कल को आता है आंटी, आंटी में पास हो गए एग्जाम में, नीट पास हो गए, ये पेड़ा खाओ। आंटी क्या करेगी, पेड़ा हाथ में लेगी, उसको प्यार से देखेगी, क्या सोचेगी इतने से पेड़े के लिए 5 यूनिट इंसुलिन निकालना जरूरी है क्या, क्या करूंगी कटोरे में रखते हो खाना खाने के समय खाऊंगी। ये होशियारी अपने आ जाएगी। तो ये देखो कितनी बार बनाते, अभी आसान तरीका है, यहां तक सब लोग आ गए कि इंसुलिन लेवल कम करना है, उसके लिए कम बार खाना है, तो क्या करेंगे अभी। तो पहला आपको सलाह क्या है, जब कड़ी भूख लगती है 2 टाइम आइडेंटिफाई करो, 2 टाइम खाना खाओ, पहली सलाह। कड़ी भूख बहुत लोगों को मालूम नहीं है ये क्या होता है, तो भूख के पहले खाते दिखा तो खाते, तो जिनको मालूम है वो लकी लोग है, नहीं मालूम जिन दुनिया में 2 पैटर्न है, सुबह 9 शाम को 6 वाला एक पैटर्न है, दोपहर 12:30 एक, रात में 8:30 वाला दूसरा पैटर्न है। कोई भी पैटर्न से चालू कर दो, 7-8 दिन में आपको ट्रायल एंड एरर से पता चलेगा कि नहीं अपनी भूख 9 बजे नहीं है, 10 बजे 11 बजे, एक बार मालूम पड़ गया उसी टाइम पे खाना खाओ। 55 मिनट में खाना खत्म करो, 55 मिनट खाओ ये सलाह नहीं है। यानी आम लोग तो एक तरह कोई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट मेरे साथ झगड़ा करते हैं कि 55 मिनट खाने को बोला आपने, बोला मैंने कहा बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मैक्सिमम टाइम 55 मिनट, क्यों, क्योंकि इंसुलिन एक बार आपको निकाल लेगा, 55 के आगे जाएंगे तो 2 बार निकलेगा, इसलिए 55। और हो सकता है अगर कल से आप चालू करोगे, आज 10 बार खाते हो कल 2 बार खाओगे, तो हो सकता है पहले 7 दिन आपको 55 मिनट लगेंगे भी। क्या करोगे आप, खाना खाने बैठे तो अपनी थाली संभालोगे, उसके बाद में क्या करोगे, पिछले 24 घंटे में घर के सभी मेंबर ने जो जो चीजें खाई है वो छोटे छोटे बाउल्स में लाके डेकोरेट करके सब खाओगे, अपना कुछ रहना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ओवर ईटिंग भी होगा, डरेंगे ना, अभी 1 बजे खाया 9 बजे 8 घंटे मर जाएंगे बीच में, एक चपाती ज्यादा भी खाएंगे होगा, ओवर ईटिंग होगा। और जो लोग स्टार्वेशन कर रहे हैं अभी, क्रैश कोर्स डाइट ऐसा ऐसा कर रहे हैं, उनका एक महीने में वजन बढ़ेगा भी 1-1.5 किलो हो सकता है, लेकिन बाद में कम होना चाहता है, शरीर को मालूम पड़ता है कितना खाने का। एक्चुअली जो बार लोग 2 बार खाते हैं उनकी भूख कम हो जाती है, खाना भी कम हो जाता है, 10-20% तो कम डेफिनेटली हो जाता है। तो 55 मिनट में मैक्सिमम टाइम में खाना आपको खत्म करना है। दूसरा एडवांटेज क्या है, फल खाना है, दूध पीना है, चाय भी किसी को शक्कर वाली अच्छी लगती है तो भी 55 मिनट का टाइम है ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 खानों के बीच में कुछ मत खाओ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो बोलते सर आपके व्याख्यान का सबसे क्रूएल सेंटेंस है, कैसे होगा, हम तो 10-12 बार खाते, लेकिन ये सब 8 दिन का डिटर्मिनेशन चाहिए। मैं बोलता हूं 9वें दिन आपको किसी ने जिलेबी ला के दी, कुछ भी ला के दिया तो भी आपको खाना महसूस नहीं होगा, लेकिन जब 2 बार खाना खाने बैठोगे इट विल बी ए सेलिब्रेशन फॉर यू। हर खाना आपके लिए उत्सव रहेगा, हर बाइट आप एंजॉय करोगे, हर चीज एंजॉय करोगे, जो चीज अच्छी नहीं लगती वो भी अच्छी लगेगी। खाना बनाने वाले का तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, बोले ऐसे गेस्ट आ गए दीक्षित डाइट वाले तो इनको कुछ भी खिलाओ फर्क नहीं पड़ता, खा लेते करो। तो 2 खाने के बीच में कुछ मत खाओ, मीठा जितना कम खाओगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा। शक्कर, किसी को बोला शक्कर मत खाओ, बोलता गुड़ खाओ क्या, गुड़ मत खाओ बोलता तो कम से कम ऑर्गेनिक खाओ क्या बोलता, वो भी मत खाओ बोलता शहद खाओ क्या। ये सब शुगर के एडिक्ट है, देखो शुगर इज एडिक्टिव इन नेचर, इसको आपका एडिक्शन इसके लत लगती है शुगर की। एक रॉबर्ट लस्टिक नाम का साइंटिस्ट है, वो तो शुगर इंडस्ट्री से झगड़ा कर रहा है 30 साल से,
क्या झगड़ा कर रहे हैं, बोलता है कि जैसे आप अल्कोहल या सिगरेट बेचने से, बोलते हैं ना 18 साल के पहले नहीं बेच सकते, वो बोलता है कि वैसे शुगर बेचने से मना कर दो 18 साल से कम, एडिक्टिव है। कुछ लोग ऐसे 55 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, भी बोलती है कि इनको हर खाने में कोई मीठा चाहिए, नहीं दिया तो कम से कम गुड़ का तो टुकड़ा खाते, ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ये शुगर के एडिक्ट है सब। तो शुगर से कोई हमको शरीर को फायदा नहीं है, जितना कम हो, डायबिटीज वाले तो बिल्कुल मत खाओ, बाकी के लोग जितना कम खाओगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और खाने में प्रोटीन्स बढ़ाओ, जो नॉनवेज खाते हैं उनको प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास नॉनवेज खाने का मतलब क्या है, किसी को पूछा होगा नहीं, मैं नॉनवेज हूँ तो क्या महीने में एक बार पार्टी के टाइम चिकन खाता हूँ, ये नॉनवेज थोड़ी हो गए, नॉनवेज मतलब जैसे यूएस में यूके में रोज डेली खाते वो नॉनवेज हो गए। तो लेकिन जो खाते ऐसे हफ्ते में 3-4 बार खाते हैं उनको प्रोटीन मिल जाते हैं, चिकन मटन फिश में अच्छे प्रोटीन होते हैं। प्रॉब्लम वेजिटेरियन लोगों का है, चपाती खाई 11%, चावल खाया 9%, दाल खाई 20%। दाल कैसे खाते हो, वो बाउल में दाल नीचे ऊपर सब करी, क्या प्रोटीन मिलेगा। तो क्या करना है वेजिटेरियन लोगों ने, अगर 4 चपाती खा रहे हो एक चपाती कम करो, उसी जगह पे एक बाउल थिक दाल खाओ, स्प्राउट्स खाओ, सोयाबीन खाओ, मूंगफली खाओ, कैशू नट्स खाओ, चीज खाओ, पनीर खाओ। तो कल्पना क्या है, आइडिया क्या है कि आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करो, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाओ, ये एडवाइस है। फिर बोलते हैं मैं कल से चपाती बंद करता हूँ, क्या खाएगा, ओट्स खाता हूँ बोले। किसी ने नहीं खाया था खानदान में ओट्स, नहीं तो क्या वो कोकण से नाचने वाला तो नागे लागे खाते हैं। जो जिंदगी में खाया है उसमें इतना मजा आता है खाना, क्या हम खाना से मुंह से नहीं खाते, आंख से खाते हैं, हाथ से खाते हैं, स्मेल से खाते हैं, नहीं क्या, हर चीज का हम आनंद लेते हैं। तो बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डाइट प्लान नहीं है, लाइफस्टाइल है, कुछ बंद करने की जरूरत नहीं, जिसमें मजा आता है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करो, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाओ। 4 चपाती का 3 करना आसान है, पूरा बंद करने की जरूरत ही नहीं है, जो आप खाते हो वही खाते रहो। क्या क्या बोला मैंने, कड़ी भूख के 2 टाइम आइडेंटिफाई करो, 2 टाइम खाना खाओ, एक बार खाना खाने बैठे मैक्सिमम 55 मिनट में खत्म करो, मीठा कम खाओ, प्रोटीन्स बढ़ाओ। 2 खानों के बीच में क्या ले सकते हो, कुछ लोगों ने रहा।